बर्तन ही है वहाँ पे। मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल देखो तो। तो जिया यहाँ पर ले रही है जी फल, यहाँ पर एक दुकान पर रुक गई है। तो जितना भी प्रसाद है सारा प्रसाद हो चुका है तैयार। तो आज से शुरू हो रहा है जी छठ, आज होगा शाम का अर्घ, तो उसको लेकर के जो है तैयारी कर दी है। तो केला का जी थाम यहाँ पर आ गया है, उसके बाद वहाँ पर फूल सब भी है। प्रक्रिया से बहुत ज्यादा खुश है, देख सकते हैं यहाँ जो गुड़ है इसको दे दिया गया है खदकने के लिए, तो आराम से ये पिघल जाएगा। जब पिघल जाएगा उसके बाद जो है इसका बनाया जाएगा ठेकुआ। तो यहाँ पर हमारा टब देख सकते हैं जी, अच्छा खासा टब है। ये क्रियांस बहुत खुश है एकदम टब देख करके। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए व्लॉग में। तो हम लोग आ गए हैं जी मार्केट और आ गए हैं अपने किराना दुकान। तो यहाँ से जो है सारा सामान सब जो उठा करके ले जा रहे हैं, और कुछ जो पूजा का सामान सब था वह सब भी जो है हमने उठा लिया है। तो अब हम लोग लेने आ गए हैं जी दिया। तो दिया यहाँ पर देख रही है मिट्टी का दिया, साथ में कुछ जो है फैंसी दिया भी मिल रहा है। तो जो केला जी नॉर्मल डे में जो है 30-40 रुपया मिलता है, रात जो है 50 रुपया मिल रहा है। कोई बात नहीं, पर्व त्यौहार है इस समय तो थोड़ा रेट रहता है ही। बाकी जो है हमारी जो कैशियर है अपना पैसा निकाल रही है इधर से, पैसा खत्म। पैसा खत्म। अभी हम ले रहे हैं माँ के लिए चूड़ी ला की, एक अच्छा लगा हुआ है, पहले से अच्छा लगा है, और इसमें लिखा हुआ है राधे श्याम, तो मुझे पहले ही अच्छा लगा, और अंकल को दिखवा रहे क्यों अच्छा कुछ मिल गया। नेक्स्ट डे। तो जिया उधर से मुंह फुला करके बैठी हुई है, तो देख सकते हैं आज इंट्रो जो है कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ जिया? कुछ नहीं हुआ। साफ करते हैं, गंदा करते जाते हैं, इनको इतना समझ ही नहीं है कि छठ पर महापर्व होता है। तो हम भी जानते हैं महापर्व होता है, लेकिन हम जान के गंदा नहीं किए, किचन को साफ। हम जान के गंदा कर दिए, जान के गंदा किए जी। क्या बात था जी, मक्का सब था, तो मक्का सब को जो हम रख रहे थे अपने बॉल में, और किचन में जो है कुछ नमक का काम नहीं करना, तुरंत पूरा साफ पूरा सफाई कर। तो नमक का कौन सा काम किया? काम थोड़े किए, बसरा कर रहे थे उसमें, गिरा कि नहीं पूरा? आखिर गिर गया, सटा इंडक्शन में, सटा मिक्सी में, सटा जी नहीं, बस खाली स्लैब पर रहा, और उसके बाद क्या कहते हैं मिक्सी पर रहा, वहाँ पे गिरा था इंडक्शन नहीं, बर्तन नहीं था वहाँ पर, झूठ बात, बर्तन ही है वहाँ पे, झूठ बात बोली। हाँ बिल्कुल, देखो तो जाके देखिए, देख लिया, इंडक्शन के बगल में बर्तन नहीं है, नहीं है बर्तन। तो ये देख सकते हैं, इसी को इंडक्शन कहते हैं ना, और यहाँ पे ये बर्तन है, यहाँ पे इन्होंने पूरा सब कुछ गिरा दिया था, फिर से हम पोछे, और यहाँ पे भी सटा होता है, इसको साफ करो, फिर सारा बर्तन धोना पड़ेगा। अब बताइए कहाँ है बर्तन? बर्तन यहाँ पर है, वो कोई बर्तन ही नहीं है। हाँ खराब कर दी, हटाइए सोफा वहाँ से, खाना बनेगा वहाँ। तुम झांसी की रानी हो अपने साथ? झांसी की रानी बड़का, अभी कह रहे थे मेरा घर है, हमको जहाँ गंदा करना होगा हम करेंगे। तो हटाइए अपना घर में अपना सामान। One hour later. तो हम लोग आए हुए हैं जी मार्केट, और मार्केट आकर के जो है यहाँ पर कुछ खरीदारी कर रहे हैं छठ की, और देख सकते हैं जी भीड़ अच्छा खासा है यहाँ पर, दोनों साइड जो है रोड के यहाँ पूरा रेडी लगा हुआ है। तो यहीं से हम लोग ले रहे हैं सामान। तो जिया यहाँ पर ले रही है जी फल, यहाँ पर एक दुकान पर रुक गई है, और यहीं पर जो है लगभग सारा सामान सब जो है मिल जा रहा है, देख सकते हैं खीरा है, सिंघाड़ा है, सब कुछ यहीं पर एक जगह मिल जाएगा, ज्यादातर चीज तो यहीं पर मिल जाना चाहिए। जो भी चीज यहाँ पर नहीं मिलेगा हम लोग चल लेंगे किसी और दुकान, और वहाँ जा करके जो है ले लेंगे। और फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर भीड़, देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ है जी। अमरूद लेकिन अच्छा है, ये ले अमरूद, गाजर बस छोटा जैसा है, उधर लेंगे अच्छा, ये लेने कहीं और, आमला ले ली, सबसे उठा लो, नींबू सब 5-5 पीस लेना है, 500 रुपये, और उसके बाद जो है बोरा भी लेना है, और वहाँ आधी सब भी है वो सब भी ले लो 70 रुपये। तो बहुत सारा चीज तो ले चुके हैं जी, और हमारा सामान जो है अच्छा खासा भारी हो गया, देख सकते हैं झोला पूरा भरा हुआ है। तो अभी हम लोग हैं गन्ने के पास, तो जी अपना गन्ना देख रही है, जो भी बढ़िया जैसा लगेगा वो उसमें से सिलेक्ट करेगी, हमें तो पता भी नहीं चलता कि कौन सा बढ़िया है कौन सा खराब है, उसको आइडिया है तो अपना देख रही है। तो सारी खरीदारी हो गई जी, और अब बचा हुआ है अनानास, तो जिया ले रही है अनानास, और यहाँ पर अच्छा अनानास मिल गया इसको। तो सारा सामान लेके हम लोग आ गए हैं जी, और जैसे ही आए तो देख रहे हैं कि क्रियांश सोया हुआ था, और क्रियांश अब जग गया है, तो निकलने नहीं आ रहा, निकलने नहीं आ रहा है मच्छरदानी से, कोई बात नहीं अब निकल गया, निकल गया, ये अलग मूड में सो के उठा है, बाल सब इसका बंद हो। तो अभी मैं नहा के हो गई हूँ तैयार, जा रही हूँ खरना का पूजा का बनाने के लिए प्रसाद। तो जी अपना तैयारी कर रही है जी प्रसाद की, तो खरना का जो है खीर के लिए लगभग दूध यहाँ पर उबल के तैयारी है, और उसके अलावा जो यहाँ ड्राई फ्रूट सब जो जम के डाला जा रहा है, और इस बार जो है ना खीर भी
खीर बनेगा गुड़ में। अच्छा गुड़ में बनेगा, गुड़ वाली खीर बनेगी तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो अच्छा है, तो तुम अपना यहाँ काम करो, हम भी जाते हैं, जो भी छठ सब का जो भी वीडियो सब है वो सब जा करके एडिट कर देते हैं ताकि समय पर वीडियो डल पाए। तो जितना भी प्रसाद है सारा प्रसाद हो चुका है तैयार। उसके बाद यहाँ पर आया है केला का पत्ता, जो कि हमारे साले साहब गोलू लेकर के आए हुए हैं। यहाँ केला का पत्ता जो है एक एक करके तैयार किया जा रहा है, इसी के ऊपर जो है प्रसाद को चढ़ाया जाएगा, इसी के ऊपर जो है भोग लगाया जाएगा। तो आज से शुरू हो रहा है जी छठ, आज होगा शाम का अर्घ्य, तो उसको लेकर के जो है तैयारी कर दी है। बात क्या है जी, प्रसाद भी बनना है और साथ में जो डेकोरेशन भी करना है। पिछले बार जो है हम लोग थोड़ा मिस कर दिए थे, सोचे थे कि केला का जो थम होता है वो लगा रहेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इस बार जो है सवेरे सवेरे जा करके जल्दी से निकल जाते हैं। टब निकाल दिए, टब ऊपर लगा हुआ है लेकिन पानी अभी उसमें डालना स्टार्ट नहीं किया, हो जाएगा दो तीन घंटा में डल जाएगा। तो ऐसा करते हैं जी, चलते हैं। भैया से भी पूछ लीजिएगा कहाँ मिलता है, फिर आपको जाके आना पड़ेगा। One hour later. तो यहाँ पे पतिदेव केला का थाम लेकर के आए हैं फोटो पे करके, और इधर बहुत सारा फूल। तो केला का जी थाम यहाँ पर आ गया है, उसके बाद वहाँ पर फूल सब भी है। और क्रियांश जो है बहुत ज्यादा खुश है, देख सकते हैं ये सब देख करके है। कहाँ कहाँ ये सोचा है बाहर जाना है हमको, लेकिन बाहर कहीं नहीं जा रहा। फूल देख रहा है और केला का ये सर लगता है फिर कभी जाएगा लाने सामान तो मैं भी जाऊंगा। बाय बाय। हाँ मेरा पोता जाने की तैयारी में रहता, लेकिन जाता कहीं। तो ये है हमारा दो ठो पीतल का सूप जिसको अभी साफ करना है, और क्रियांश जो है ना बस आगे पीछे करते रहता है। जब भी पूजा का समय होता है, कोई फंक्शन होता है, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट क्रियांश में ही रहता है। फिलहाल आ गई थी यहाँ पर फल लेने के लिए, कल हम लोग का फल रह गया था तो सारा फल सब यहाँ पर देखा जा रहा है। One hour later. मार्केट से आ गए हैं, और मार्केट से आते ही जो है जिया लग गई है यहाँ पर तैयारी पर। यहाँ जो गुड़ है इसको दे दिया गया है खदकने के लिए, तो आराम से ये पिघल जाएगा। जब पिघल जाएगा उसके बाद जो है इसका बनाया जाएगा ठेकुआ, और साथ में भुसवा में भी यूज होगा ना। बहुत लोग भुसवा बोलते हैं, बहुत लोग भुसरा बोलते हैं। तो पता नहीं क्या है, हम लोग तो भुसवा ही बोलते हैं। बाकी सारा फल सब आ गया, सारे फल को धोना भी है। अच्छा धुल चुका है क्या वो? तो सारा फल लेकर के हम जाते हैं, सारा फल धो देते हैं हम। और ऊपर में भी जो है माँ का टब लग गया है, वहाँ पर इसको लेकर के चलते हैं, ये भी नहाएगा। और जिन्होंने भी पिछले छठ का ब्लॉग देखा होगा उनको पता होगा, और अच्छा खासा टब है जी, माँ जो है उसमें डुबकी भी लगा लेती है, तो अच्छा खासा हो जाता है। हाँ क्रियांश नहीं, हम साथ में ही रहेंगे, तो इसको भी नहा देते हैं, और जल्दी से नहा लेगा, दूध पी लेगा, फिर ये सो जाएगा, फिर हम लोग फ्री होंगे तो थोड़ा और काम कर पाएंगे बाकी आगे का। तो यहाँ पर हमारा टब देख सकते हैं जी, अच्छा खासा टब है। ये क्रियांश बहुत खुश है एकदम टब देख करके। तो इसमें जो है लगभग तीन चार बच्चे, पांच बच्चे तक जो है आराम से खेल लेंगे इसमें। हाँ नहाना है तुमको, नहाना है, ठीक है रुको। तो मेरे बेटे का तो नहाना हो गया जी, और अब बेटे को जो है जल्दी से कपड़ा पहना देते हैं और इसको दूध सब पिला करके सुला देते हैं। उम्मीद करते हैं सो ही जाएगा, गारंटी नहीं है सोएगा कि नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं ताकि हम लोग का काम भी हो जाएगा जो भी पेंडिंग काम है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा चावल अच्छे से आटा चावल का आटा भुन चुका है, जिसमें हम डालेंगे ये क्रश किया हुआ नारियल, और इसके बाद ये सौंफ, और इसके बाद इसको हम और दो तीन मिनट तक भून लेंगे। और इसके बाद ये हमने गुड़ लिया है, गुड़ को हमने गर्म कर लिया था एकदम से, ताकि इसमें अच्छे से मिल पाए। जैसे लाई बनाते हैं ना हम लोग मूढ़ी का लाई, उसमें जिस तरह का गुड़ यूज़ होता है उस तरह का बना लिया था। और इसके बाद हम इसको धीरे धीरे बनाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे और बनाते रहेंगे। तो ये देख सकते हैं हमने अच्छे से मिला लिया, और उसके बाद ये गर्म गर्म ही बनाया जाता है। गर्म देखते हैं, पूरा हाथ लाल हो गया मेरा, बगल में मैं पानी रखी हूँ, ज़्यादा गर्म लगता है तो इसमें हाथ डाल के फिर मैं बनाती हूँ। तो आप अगर ठंडा कर दोगे तो फिर अच्छे से ये गोल गोल नहीं बनेगा।